एनआरसी के नए ड्राफ्ट लिस्ट से जुड़े कुछ ज़रूरी खबर बाहर निकल कर आया है। इस वीडियो में मैं आपसे सारे खबरें डिटेल में शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एनआरसी का थर्ड ड्राफ्ट लिस्ट 22 जून 2019 को पब्लिश होने वाला है और बहुत से लोगों के मन में कुछ इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि न्यू ड्राफ्ट लिस्ट में कौन से लोगों का नाम आएगा, फाइनल एनआरसी पब्लिकेशन से पहले ये लिस्ट क्यों आ रहा है, एनआरसी क्लेम करने वालों का नाम इस लिस्ट में आएगा क्या, करेक्टेड किए गए डिटेल्स नए लिस्ट में पब्लिश होंगे क्या। इस वीडियो में मैं आपसे इन प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में देने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, एनआरसी के नए ड्राफ्ट लिस्ट में उन लोगों का नाम पब्लिश होगा जिनका नाम 30 जुलाई 2018 में फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गया, लेकिन बाद में सुओ मोटो वेरिफिकेशन के तहत वो लोग इनएलिजिबल पाए गए। ये एक एक्सक्लूजन लिस्ट है जिसमें 30 जुलाई 2018 के लिस्ट से डिलीट हुए लोगों का नाम होगा। एनआरसी प्रोसेस में ये ऑलरेडी नोटेड है कि एलआरसीआर फाइनल एनआरसी पब्लिश होने से पहले अगर चाहे तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आए हुए नाम को फिर से वेरिफिकेशन में बुला सकता है। और हाँ, क्लेम करने वालों का नाम और करेक्टेड नेम्स आपको फाइनल एनआरसी में दिखेगा 31 जुलाई 2019 को। इस लिस्ट में आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा। इस एक्सक्लूजन लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों का नाम पब्लिश होगा एक्सक्लूजन लिस्ट में, वो फिर से क्लेम कर सकेंगे विद इन ए गिवन टाइम पीरियड, और अगर क्लेम वैलिड रहेगा तो उनके नाम फाइनल एनआरसी में पब्लिश हो जाएगा। दोस्तों, 22 जून 2019 के एक्सक्लूजन लिस्ट को लेकर अगर आपको कोई डाउट है या अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।